एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशलॉजी वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एंड करंटली वी आर डूइंग अ चैप्टर 3 जो है research methods. रिसर्च मेथड्स ठीक है रिसर्च मेथड्स का इंट्रोडक्शन और इसकी सिग्निफिकेंस वगैरह हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है तो आज हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या होता है देखो रिसर्च मेथड्स आपको पता है जो भी मेथड्स हम एम्प्लॉय करेंगे सोशोलॉजिकल स्टडी में वो आपके रिसर्च मेथड्स हो गए फाइन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आपको नाम से ही लग रहा होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड कौन सा होगा जो क्वांटिटी पे फोकस करेगा जो नंबर्स जिसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे ठीक है अगर वो कहीं स्टडी कर रहा है कोई चीज स्टडी कर रहा है कोई इवेंट स्टडी कर रहा है तो उसको उस इवेंट का डेटा चाहिए जो ऑब्जर्वेबल हो जो मेजरेबल हो और क्वालिटेटिव हुआ वो चीजें जो क्वान्टिटेटिव ध्यान नहीं देते हैं फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स ठीक है किसी की फीलिंग्स कोई एक्शन करने के पीछे क्या मोटिव होगा उसके एक्शन का क्या मीनिंग है क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड इन चीजों पे ध्यान देते हैं और क्वान्टिटेटिव इन चीजों पे तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से आप ये आराम से गेस कर पा रहे होगे गए कौन यूज करता होगा और क्वालिटेटिव कौन यूज करता होगा ठीक है क्वान्टिटेटिव आपके पॉजिटिविस्ट यूज करेंगे और क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड आपके नॉन पॉजिटिविस्ट यूज करेंगे ठीक है देखते हैं हम यहाँ क्या लिखा है सर ने बुक में It is more important to ask if the method chosen is the appropriate one for answering the question that is being asked. Starting से एक बार पढ़ लेते हैं Since there are multiple truths and multiple perspectives in sociology, ठीक है ये चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं Multiple perspectives हैं तो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट देर are also मल्टीपल रिसर्च methods. तो मल्टीपल रिसर्च methods होंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल perspectives और मल्टीपल ट्रूथ्स इन सोशलॉजी के तो कोई एक मेथड हम फॉलो नहीं कर सकते हैं फाइन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये जानना कि जो मेथड चूज किया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं हमारा क्वेश्चन आंसर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरेस्टेड हैं फाइंड करने के लिए इंडियन फैमिलीज हाउ मेनी इंडियन फैमिलीज आर स्टिल ज्वाइंट फैमिलीज ठीक है अगर आपको ये मेथड एम्प्लॉय करना है दैट मीन्स इसमें आपको कोई डेटा चाहिए तो आपके लिए सेंसस मेथड या सर्वे मेथड जो किसके टाइप है क्वांटिटेटिव मेथड्स तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यू वॉन्ट टू कंपेयर द स्टेटस ऑफ वुमेन इन ज्वाइंट फैमिलीज एंड न्यूक्लियर फैमिलीज तो इसके लिए इंटरव्यूज केस स्टडीज और पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन दीज विल बी दी अप्रोप्रिएट मेथड्स फाइन क्योंकि इसमें आप कोई अलग एंगल एनालाइज करना चाहते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू नो द डेटा अबाउट हाउ मेनी फैमिलीज स्टिल जॉइंट फैमिलीज यू ट्राइंग टू एनालाइज अनदर डायमेंशन इन दिस वेरी रिसर्च फाइन तो इसमें क्या होगा क्वॉन्टिटेटिव एंड इसमें आपकी रिसर्च क्या होगी क्वालिटेटिव अब ये एक ग्राफ में हम समझ लेते हैं पहले कि कौन सा मेथड ज्यादा क्वांटिटेटिव की तरफ है एंड कौन सा मेथड ज्यादा क्वालिटेटिव की तरफ है और बीच में आपका ट्रायंगुलेशन आता है ट्रायंगुलेशन का क्या मतलब होता है जिसमें आप मल्टीपल रिसर्चेस मल्टीपल मेथड्स यूज करते हो ठीक है आगे हमें पढ़ना है ट्रेंगुलेशन के बारे में भी थोड़े कुछ पॉइंट लिखे हैं बुक में आप मल्टीपल रिसर्च मैथड यूज करते हो ताकि आपकी जो स्टडी है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो ज्यादा डीप हो ठीक है देखो सोशल सर्वे ज्यादा क्वान्टिटेटिव है एंड स्ट्रक्चर इंटरव्यूज देखो सोशल सर्विस क्या होता है कोई भी कंडक्ट कर सकता है आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए इसके लिए और आपको क्या मिलेगा एक ऑब्जर्वेबल एक ऑब्जर्वेबल नहीं एक मेजरेबल डेटा आपको मिलेगा फाइनली जो सर्वे आएगा उसको आप किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो टेबुलेशन मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हो या पाई चार्ट बना सकते हो उस डेटा का तो ये सारी जो चीजें हैं ये किसकी तरफ इशारा करते हैं दैट दीज मेथड आर मोर क्वान्टिटेटिव फिर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया जिसमें आपके रिटर्न क्वेश्चन होते हैं और आपके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो भी रिटर्न फॉर्मेट में होते हैं ठीक है प्री डिटर्मिन रिस्पॉन्स होते हैं जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके चार Options होंगे तो आप अपने जो इंटरव्यूअर इंटरव्यू है जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हो आप उसको चार ऑप्शन दोगे और वो चार में से एक सिलेक्ट करेगा दैट मींस प्री डिटर्मिंड आंसर्स होंगे तो ये एक स्ट्रक्चर्ड सेटअप में होता है तो दिस इज ऑल्सो क्वान्टिटेटिव फिर आपका ट्रांगुलेशन आ गया अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और यू आर फ्री टू आंसर आप कुछ भी आंसर कर सकते हो और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या हुआ अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई एक इवेंट स्टडी कर रहे हो या किसी एक ट्राइब का कोई फेस्टिवल स्टडी कर रहे हो तो आप रिसर्चर तो हो ही लेकिन आप एज पार्टिसिपेंट उस सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो एज पार्टिसिपेंट ठीक है तो यू वुड बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन टू सी बिटवीन द लाइन टू सी दिडन आस्पेक्ट और दो फेस्टिवल और दो इवेंट्स क्योंकि कई बार क्या होता है कि uh, देखो होपी ट्राइब है एक अंडमान में ठीक है ये एक रेन डांस करते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसमें ज्यादा है दैट मीस डेटा आपने एक बार कलेक्ट कर लिया बाद में आप इसको अलग अलग रिसर्च में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मेथड बिकम्स डिफिकल्ट एस साइज ऑफ वेरिएबल्स और पॉपुलेशन इंक्रीजेस अगर किसी स्टडी कर रहे हो किसी पॉपुलेशन को वो तो बढ़ती रहेगी ना अगेन आपको पॉपुलेशन स्टडी करनी है तो नेक्स्ट टाइम पे वो इंक्रीज गई होगी तो वैसे ही जैसे कॉम्प्लिकेट हमारी सोसाइटी होती जा रही है तो ये जो मेथड है ये काफी डिफिकल्ट बन रहा है ये यूज करना और के नॉट बी यूज फॉर नॉन ऑब्ज़र्वेबल एट्रीब्यूट जैसे आपकी फीलिंग्स मोटिव क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर दैट वी आर स्टडिंग सोशोलॉजी वी आर स्टडिंग सोसाइटी सॉरी दैट मीन्स आप किन चीजों को स्टडी कर रहे हो आप ह्यूमन को स्टडी कर रहे हो ह्यूमन बींग्स को स्टडी कर रहे हो तो इसमें आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ज्यादा दूर नहीं जा सकते फीलिंग्स मोटिव यू हैव टू टेक दीज एट्रीब्यूट इन टू अकाउंट बिकॉज दे आर द वेरी बेसिक मैटर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ठीक है वो है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ह्यूमन मैटर को तो वो आपके लिए पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है आगे देख लेते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स जो uh, mot वगैरह ठीक है ये चीज अंडरस्टूड है क्वालिटेटिव मैथर्ड्स हेल्प इन डिस्कवरिंग अंडरलाइंग मीनिंग्स मोटिव पैटर्स सिम्बल्स एटसेट्रा सो जो इंटरप्रिटिव है और नॉन पॉजिटिव है वो इनको फेवर करते हैं ये आपके नॉन पॉजिटिव वाले मैथर्ड हो गए वेबर ने यूज़ किए हैं वेरेस्टर्न आइडियल टाइप्स उनको आप बोल सकते हो क्वालिटेटिव मेथड ये हमें वेबर में डिटेल में पढ़ना है जब हम थिंक का चैप्टर करेंगे और मीड ने सिंबॉलिक इंटरेक्शनज इंटरेक्शन जो हम सिंबल्स के साथ करते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में कम पढ़ाया है मैंने आपको ये क्या होता है अब देखते हैं आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन मेथड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू केस स्टडीज़ फोकस ग्रुप डिस्कशन वगैरह वो हम आगे देखते हैं पहले इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लें एडवांटेजेस हज दिस चीपर फॉर स्मॉलर सैंपल अगर आपका सैंपल छोटा होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा सिंपली उनको इंटरव्यू करना फॉर एक्साम्पल गिव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियालिटी हिडन मीनिंग्स भी आपको इसमें पता चल जाएंगे डेटा कलेक्शन फ्लेक्सिबल है अपनी मर्जी से आप कलेक्ट कर सकते हो दे हैव हेल्प इन वाइडनिंग द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी क्योंकि ऑब्वियसली पहले वन डायमेंशनल वो देख रहे थे कि इसको सिर्फ साइंटिफिक लाइंस पे लेके आओ लेकिन बाद में इन्होंने वाइडन कर दिया स्कोप की नहीं इंसान के जो एक्शन हैं मोटिवस हैं आपको उन उनपे भी ध्यान देना होगा एक्सपर्टीज की जरूरत है क्योंकि अगर आप सोशोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हो किसी चीज का तो आपको उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है वो कोई भी लेमैन नहीं कर सकता है ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर चाहिए और अगर लार्ज सैम्पल होगा उसके लिए डिफिकल्ट है यूज करना अगर आप इंटरव्यू मेथड ही देख लो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू अगर हजार लोग हैं कितने टाइम में आप उनके इंटरव्यूज कर सकते हो फिर कितना आप याद रखोगे कितना आप डेटा रिकॉर्ड करोगे तो ये इसकी प्रॉब्लम आ जाती है अब इन डिफरेंसेस को रिकनसाइल करने की कोशिश की थी मिडिल पाथ लेके मिडिल पाथ जैसे हाइब्रिड सोशोलॉजिक बाय माइकल मैन जिसमें क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव का मिक्सचर यूज़ किया था एंड ट्रायंगुलेशन मेथड बाय नॉमन के डेंजन ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे ठीक है सच मिक्स्ड मेथड्स एम्प्लॉय द बेस्ट ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव क्वालिटिव मैथड्स सोशोलॉजिक और है दोनों उनके बेस्ट जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव उनके बेस्ट मेथड्स को यूटिलाइज करता है कंटेंट एनालिसिस सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज एसेट्रा ये भी कुछ मेथड्स हैं जो हाइब्रिड मेथड्स हैं ठीक है ठीके? हाइब्रिड अब आगे देख लेते हैं ट्राइंगुलेशन देखो ट्राइंगुलेशन क्या होता है जिसमें आप एक से ज्यादा मेथड यूज करते हो ज्यादा डीपर और कॉम्प्रहेंसिव करने के लिए अपनी स्टडी को इसको आप बोल सकते हो मिक्सिंग ऑफ मेथड्स डेटा ये एक मिडिल पाथ है एंड इट इज गेनिंग मोर पॉपुलैरिटी क्योंकि देखो आप सोसाइटी स्टडी कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही एक नजरिया अपना, अपना limited scope, view नहीं रख सकते हो आपको अलग अलग methods एम्प्लॉय करने होंगे और उसी से आपकी जो स्टडी है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आपका जो रिजल्ट है वो और ज्यादा आपको ज्यादा वैलिड रिजल्ट और ज्यादा रिलायबल रिजल्ट मिलेगा इसीलिए क्या जो ट्राइंगुलशन मेथर्ड है इट इज गेनिंग मोर पॉपुलैरिटी क्वान्टिटेटिव मैथड्स जो है कैन डिस्क्राइब लार्ज जो जनरल पैटर्न इन द एरिया ऑफ सोशलॉजिकल रिसर्च वाइल जो क्वालिटेटिव अप्रोचेज हैं दे कैन हेल्प टू एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द पैटर्न तो आप दोनों को यूज कर सकते हो क्वालिटेटिव आपको इसमें हेल्प करेगा और क्वान्टिटेटिव आपको इसमें हेल्प करेगा देखने के लिए जनरल पैटर्न ऑफ इन द एरिया ऑफ सोशोलॉजिकल रिसर्च की जनरल पैटर्न क्या है और क्वालिटेटिव आपको एक्सप्लेन करेगा एक इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल उन पैटर्न को कैसे समझता है ठीक है अब इसके कुछ टाइप्स हैं ट्रायंगुलेशन के डेटा ट्रायंगुलेशन कि आप अलग अलग मेथड से डेटा कलेक्ट करो डेटा पे फोकस करो जो आपने अलग मेथड से कलेक्ट किया हो या इन्वेस्टिगेटेड ट्रायंगुलेशन कि मल्टीपल रिसर्चर्स हो नॉन पॉजिटिविस्ट भी हो उस रिसर्च स्टडी में फॉर एक्जाम्पल किसी एक सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो तो जो पैनल स्टडी कर रहा है उसमें एक नॉन पॉजिटिविस्ट हो एक पॉजिटिविस्ट हो ठीक है थ्योरी ट्रायंगुलेशन है एक से ज़्यादा थ्योरेटिकल स्कीम आप यूज़ करो एक से ज्यादा थ्योरीज स्कूल्स ऑफ थॉट आप यूज़ करोगे और मेथोडोलॉजिकल ट्राइंगुलशन uh, है जिसमें आप डिफरेंट मेथर्ड्स को क्लब करोगे फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को क्लब करके अपनी रिसर्च करोगे आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू की वो थम्स अप नहीं आया तो आप थम्स डाउन कर सकते हैं मुझे कमेंट से बताया वो क्या पसंद नहीं आया सो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे